ये है न्यूज नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं एनएन न्यूज उत्तराखंड। आपको बता दें कि ब्लॉक बहादुराबाद की ग्राम दादूबास में लोगों की राशन की समस्या को लेकर जिलाधिकारी के निर्देश पर ब्लॉक बहादुराबाद के अधिकारियों ने ग्राम दादूबास में खुली बैठक का चयन किया, जिसमें ग्रामीणों का कहना है कि हमें राशन लेने अपने गांव से करीब 4 किलोमीटर दूर नदी पार करके जाना पड़ता है, जिससे हमें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे बरसात का मौसम आता है तो नदी में पानी आ जाता है, जिसके कारण हम सस्ते गल्ले की दुकान से अपना राशन नहीं ला पाते। ग्रामवासियों की तरफ से डीएम साहब को एक संबोधित पत्र प्राप्त हुआ, जिसके आधार पर हमने उन लोगों ने पहले जो है ग्राम सभा में घर घर एजेंडा घुमाया, उसके पश्चात आज हमने जो है ग्राम सभा में डीलर चयन के लिए खुली बैठक का चयन किया गया, जिसमें जो हाँ एजेंडा पूर्व में ही घुमा दिया गया था। इस बैठक के अंतर्गत हमारे पास दो नाम आए, जिसमें प्रथम नाम राजू कुमार पुत्र कृष्णपाल और अक्षय कुमार, और एक हमारे पास नाम दूसरा आया अक्षय कुमार पुत्र नरेश। तो कार्रवाई के अंतर्गत मेरे साथ सहायक जिला पंचायत राज सहायक विकास अधिकारी पंचायत श्री राजवीर जी साथ उपस्थित हैं और गणमान्य लोग भी हैं, ग्राम सभा के नागरिक उपस्थित, जिनके बीच में ये प्रस्ताव पारित किया गया। तो बहुमत देखा गया, बहुमत जो है आपके वही आदमी को हाँ राजकुमार पुत्र कृष्णपाल के पक्ष में पाया गया। और जी इसमें गांव वालों को दिक्कत थी, बहुत तंगी थी, एप्लीकेशन लिखी, गांव वालों के साइन हुए और जी डीएम सर के यहाँ गई, उन्होंने डी एस ओ सर के यहाँ भेजी और जी फिर वहाँ से ब्लॉक बहादुराबाद में गई वीडियो के पास, फिर वीडियो ने इधर क्या नाम वीडियो सर के पास भेजी, मेघराज जी के पास आई, फिर ऐसे देखते हुए फिर एजेंडा घुमाया गाँव में, फिर गाँव वालों ने साइन करे, फिर उसके बाद में फिर आज खुली बैठक हुई यहाँ पर। और एक मैं था, एक लड़का और था, उसके उसकी तरफ दो ही लोग थे, बाकी तो सब मेरी तरफ थे। गाँव वाले जो लोग थे उनकी क्या समस्या थी, क्या सहमति थी, जैसे इसलिए मतलब दुकान अदला बदला हुई, दो चलाई गई, एक तो जाने में तंगी थी बहुत, नदी बीच में नदी पड़ती है और जी क्या नाम कोटा से ही नहीं बांटता, तो गाँव वाले को सुनने में फिर डीएम सर के यहाँ एप्लीकेशन लगाई थी हमने। तो किसकी सहमति से आप आज विजेता बने हैं? जी गाँव वालों की, ये है न्यूज नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं एनएन न्यूज उत्तराखंड।